325% रिटर्न इन जस्ट अ ईयर। जी हाँ, 325% का रिटर्न सिर्फ एक साल में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक आईटी कंपनी जो ऑटोमोटिव सेक्टर से आती है, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। और इस वीडियो में हम कंपनी और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किशोर पाटिल और रवि पंडित ने मिलकर 1990 में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट किया। सबसे पहले इस कंपनी का नाम केपीआईटी इन्फो सिस्टम्स था। फिर 2002 में कमिंस इन्फोटेक के आईटी डिपार्टमेंट ने केपीआईटी के साथ मर्जर किया और फिर इस कंपनी का नाम केपीआईटी कमिंस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड हो गया। फिर 2013 में कमिंस ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी से कम कर दी, क्योंकि वो अपने कोर बिजनेस इंजन और जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहते थे, जिसके कारण इस कंपनी का नाम सितंबर 2013 में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। फिर जनवरी 2018 में बिरला सॉफ्ट और केपीआईटी ने मर्जर अनाउंस किया और साथ ही साथ कंपनी को टू पार्ट्स में स्प्लिट भी कर दिया। पहली कंपनी एक आईटी कंपनी बनी जो नॉर्मल आईटी सर्विसेज पे फोकस करेगी और दूसरी कंपनी एक ऑटोमोटिव कंपनी बनी जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे फोकस करेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने मर्जर के बाद कंपनी को टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट वन इज आईटी कंपनी और सेकंड वन इज ऑटोमोटिव कंपनी। सो आईटी कंपनी विल वर्क अंडर द नेम ऑफ बिरला सॉफ्ट और ऑटोमोटिव कंपनी विल वर्क अंडर द नेम ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो इन्होंने बहुत ही क्लियर कर लिया कि आईटी कंपनी बिरला सॉफ्ट संभालेंगे और ऑटोमोटिव कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज संभालेंगे। और ये कंपनी 22 अप्रैल 2019 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि केपीआईटी करता क्या है। तो केपीआईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ऑटोमोटिव कंपनीज। एंड केपीआईटी हैज डेवलपमेंट सेंटर्स इन यूरोप, चाइना, जापान, यूएसए, थाईलैंड एंड इंडिया। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इनका बिजनेस मॉडल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस ड्राइविंग, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, थर्ड वन इज कनेक्टेड व्हीकल्स, फोर्थ वन इज व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, फिफ्थ वन इज ऑटो एसएआर मींस ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर, एंड सिक्स्थ वन इज व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। और हम एक एक करके सारे बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस ड्राइविंग का मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर ड्राइवरलेस कार, या फिर आप इसको रोबोटिक कार भी बोल सकते हैं। तो एक बार आप खुद सोचिए कि जब आप एक ड्राइवरलेस कार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम या फिर परेशानी आ सकती है। कि गाड़ी एक सही डायरेक्शन पे चले, किसी को जाकर टक्कर नहीं मार दे, कोलिजन ना हो, गाड़ी के अंदर जितने भी कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं वो अच्छे से काम करें, जिसके कारण जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं लोग, पैसेंजर्स, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। तो केपीआईटी अपने सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और एक बिग डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हम एक ड्राइवरलेस कार के बारे में बात कर रहे हैं और एक ड्राइवरलेस कार को ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अलग अलग साइन बोर्ड्स होते हैं। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको रुकना कहाँ है, चलना कहाँ है और किस डायरेक्शन में चलना है। और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसको समझना पड़ेगा। और ये सब एक बिग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है, जिसपे केपीआईटी काम कर रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो पावर ट्रेन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेन कंपोनेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे की ओर पुश करता है। अगर आप अभी देखें तो जितनी भी गाड़ियां हैं उनका इंजन या तो पेट्रोल या फिर डीजल से चलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो अभी केपीआईटी इन्हीं सब सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है, जिससे वो इंजन को इंस्ट्रक्ट कर सके कि उसे अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या फिर कैसे चलना है। अगर मैं इसको सरल भाषा में बताऊं तो पावर ट्रेन क्रिएट्स पावर फ्रॉम द इंजन। मतलब पावर ट्रेन इंजन से पावर क्रिएट करता है और वो उस पावर को आपके गाड़ी के व्हील्स को डिलीवर करता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे की ओर चल सके। इसी के अंदर ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। मतलब आपकी गाड़ी जो चार्जिंग स्टेशन पे लगी हुई है उसको चार्जिंग के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, क्या वो चार्जिंग स्टेशन उतना वोल्टेज प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी गाड़ी कितने देर में चार्ज हो जाएगी, या फिर गाड़ी ओवर चार्ज ना हो जाए या फिर कम चार्ज ना हो, अगर कम चार्ज हो तो आपकी गाड़ी किस तरह से रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड करे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए केपीआईटी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है कनेक्टेड व्हीकल्स। हम जब भी कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जरूर आता है कि गाड़ी में एक जीपीएस लगा हुआ है और वो उस जीपीएस के थ्रू
अपने सारे हिंड्रेंस को पार करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बट अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी की डेफिनेशन चेंज हो रही है थ्रू न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्नोलॉजीज, और इसमें KPIT का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे KPIT की एक ऑफरिंग है नेक्स्ट जनरेशन ओवर द एयर अपडेट सॉल्यूशंस फॉर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, मतलब अगर आपकी गाड़ी को सही तरीके से चलने के लिए किसी अपडेट की जरूरत है तो आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, ये अपडेट इनके नेक्स्ट जनरेशन ओवर द एयर सर्वर के थ्रू ही हो जाए। इनका ओवर द एयर अपडेट कॉम्पोनेंट्स अभी 5+ मिलियन व्हीकल्स में सक्सेसफुली रन कर रहा है और 11+ मिलियन व्हीकल्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। इनकी एक और ऑफरिंग है कीवी एंड कनेक्ट, तो कीवी का मतलब हुआ KPITs इन व्हीकल इंफोटेनमेंट, तो इन्होंने व्हीकल में इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी। आपको भी पता है कि आज के टाइम पे कई लोग एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और सभी के पास स्मार्टफोन होता है, तो कई लोग एक साथ अपने स्मार्टफोन को व्हीकल से कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी ऑफरिंग है कि मैक्सिमम 7 डिवाइसेस एक साथ एक टाइम पे व्हीकल से कनेक्ट हो सकती है, और इनका जो प्लेटफॉर्म है कनेक्ट वो iOS स्मार्टफोन सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, और लोग अपने स्मार्टफोन को व्हीकल से वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई डायरेक्ट, NFC और USB से कनेक्ट कर सकते हैं। KPIT का मानना है कि ये टू व्हीलर्स को भी डिजिटल जर्नी पर ले जा सकते हैं, जिसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा काम किया है। एंड दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टेड मोटरसाइकिल्स, और इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिसके थ्रू डिस्ट्रैक्शन फ्री नेविगेशन, राइड प्लानिंग, व्हीकल ट्रैकिंग, सर्विस रिमाइंडर और बहुत कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हीकल डायग्नोस्टिक्स। आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक्स से ये समझ आ रहा होगा गाड़ी को चेक करना, तो ये ऑफरिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इसके थ्रू ये जान सकते हैं कि किस गाड़ी में कब प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए उसे कहाँ पर लेकर जाना है। तो KPIT इन्हें अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के थ्रू हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है AutoSAR, ऑटोमोटिव ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। इससे हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि KPIT व्हीकल्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। अगर किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को अपनी खुद की सॉफ्टवेयर या फिर ऑफरिंग लोड करनी हो तो इस ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के थ्रू वो कई IT टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं अदर कंपनीज को, ताकि वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बना सके। नेक्स्ट है व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो जो मोबिलिटी इंडस्ट्री है वो रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्रॉम कन्वेंशनल पावर ट्रेन सिस्टम्स टू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम। तो KPIT अपने कस्टमर्स को इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है दैट विल हेल्प डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट आर बोथ सेफ एंड रिलायबल। तो KPIT अपने कस्टमर्स को इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण वो एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना पाएंगे जो कि सेफ एंड रिलायबल होगा। साथ ही साथ ये डिजिटल ट्विन सॉल्यूशंस और AI ड्रिवन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे इनके कस्टमर का टाइम और मनी दोनों बच रहा है। अभी तक इस वीडियो में हमने कंपनी और इनके बिजनेस मॉडल को डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी के अचीवमेंट्स, रिस्क फैक्टर्स और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आउट मेंटरशिप प्रोग्राम और पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।